मन संधारण से जल संधारण, इस संकल्पना को लेकर गांव को पानी से समृद्ध करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं ने जल संधारण के क्षेत्र में श्रम दान का विशेष योगदान देते हुए आज एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। ये नेत्र सुखद चित्र है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित सुरडी गांव का। जनसंख्या सिर्फ 3377, ऐतिहासिक निम्बाड़कर वाड़ा और भैरवनाथ मंदिर के लिए ये गांव पहचाना जाता है, लेकिन बीते 3-4 साल में यही गांव जल समृद्ध होकर उभर आया है। पर इससे पहले के हालात पर नजर डालें तो देखने मिलते हैं सूखे पड़े कुएं और तालाब, बेमौसमी बारिश, बंजर जमीन, चिंताग्रस्त किसान और पानी के एक एक बूंद को तरसते गांववासी, जिन्हें पैसे देकर टैंकर से पानी खरीदना पड़ता था। ये भयावह वास्तव था सुरडी का। लेकिन इन सभी हालातों को बदलते हुए एक सुबह उम्मीद की किरण लेकर उजड़ी, बुलंद इरादे, सकारात्मक बदलाव की चाह ने जल संधारण की कल्पना को सत्यता में उतारा है। लगातार 2 महीने पूरे गांव ने एक होकर 15-15 घंटे बिना थके बिना रुके दिए हुए योगदान ने सुरडी गांव में परिवर्तन की गंगा बहाई और खुशहाली लाई है। ये कार्य आसान नहीं था। 17 प्रशिक्षित प्रतिनिधियों के सहयोग से सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके कॉर्नर सभा से जल जागृति की गई। ग्राम पंचायत सुरडी, पंचायत समिति, जिला परिषद, पान लोट विकास, कृषि विभाग, जल संजीवनी, पानी फाउंडेशन, इन संस्थाओं के साथ साथ सरकारी योजनाएं और जन आंदोलन के माध्यम से सुरडी गांव ने जल संधारण के कार्य को नया आयाम दिया है। इस पूरे कार्यकाल में सभी विशेषज्ञों ने विशेष सर्वे किया है और पूरे विस्तार से अभ्यास कर बेहतरीन नियोजन, मनुष्य बल के उचित उपयोग को अपनाते हुए जल संधारण के कार्य को गतिमान बनाया। जल समृद्धि के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी वित्तीय सहायता की, दानशूर व्यक्ति की। सरकारी योजनाओं के साथ ही सभी ग्रामवासियों ने तिनका तिनका जोड़ते हुए 60 लाख रुपयों का निधि उपलब्ध कराया। श्रमदान के साथ साथ कंपार्टमेंट बिल्डिंग जैसे कार्य को मशीनरी की सहायता से पूरा किया गया। श्रमदान के बाद अन्न दान सेवा देते हुए ग्रामवासियों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। देखते देखते इस छोटी सी संकल्पना को बड़े जन आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। जन संधारण के इस कार्य ने सुरडी गांव को न सिर्फ हरा भरा किया बल्कि गांव को अनेक तरह के सकारात्मक बदलाव और फायदे प्राप्त कराए हैं। जिस गांव में पानी की किल्लत होती थी उसी सुरडी गांव में आज पानी के स्तर में लक्षणीय बढ़ोतरी देखी गई है। खेती और खेती से जुड़ी व्यवसाय में आर्थिक विकास की उपलब्धियों को हासिल कर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी आई है। जल संधारण के इस कार्य ने रिवर्स माइग्रेशन की उपलब्धि को हासिल कर अनेक रोजगार निर्माण कराए हैं, जिसमें सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी रोजाना 200 मजदूर आते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव की महिलाओं को स्वयं पूर्ण बनाने में जल संधारण की ये संकल्पना बेहद महत्वपूर्ण पाई गई है और पहले से ज्यादा सभी को गांव अपना सा लगने लगा। सुरडी गांव में बदलते हुए जल स्तर ने चारों ओर हरियाली लाई है। इस पूरी प्रक्रिया में जल संधारण के साथ साथ जल व्यवस्थापन को भी उतना ही महत्व दिया गया है। आज गांव के हर व्यक्ति ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जल संधारण के इस जन आंदोलन को भविष्य में भी इसी तरह जारी रखने एवं अन्य गांव में इसी कार्य की जागरूकता व मार्गदर्शन करने की शपथ ली है। इस महत्वपूर्ण कार्य दौरान अपनी सहायता प्रदान करने वाले उन सभी घटकों के प्रति हम तहे दिल से ऋणी हैं। आओ आप हम सभी मिलकर पानी की बचत, सुयोग्य जल व्यवस्थापन के इस संस्कार को आने वाली कई पीढ़ियों तक पहुंचाएं।